नरगिस अपने जमाने की सबसे मशहूर अदाकारा थी। उनके साथ फिल्म करने के लिए अच्छे अच्छे सितारों की लाइन लगती थी। मदर इंडिया में निभाया गया उनका किरदार आज भी लोगों को याद है। उनकी एक और फिल्म रात और दिन के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि नरगिस शर्म से पानी पानी हो गई थी। रात और दिन फिल्म की शूटिंग 1960 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसके चलते सेट पर मौजूद सभी चीजों को संभाल कर रखा गया ताकि जब शूटिंग शुरू हो तो उनका इस्तेमाल हो सके। 1966 में फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नरगिस और प्रदीप कुमार फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। फिल्म नरगिस के भाई अख्तर हुसैन बना रहे थे। महबूब स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। नरगिस को तेज बारिश में मंदिर का दरवाजा खटखाने का सीन शूट करना था। बारिश सीन का अहम हिस्सा था और बार बार शूट के कारण नरगिस के कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। नरगिस 3 बार इस सीन का रिटेक दे चुकी थी। जब वो फिर सीन शूट करने के लिए गयी तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वो दरवाजे से जा टकराई। नरगिस की फ्रॉक जो पूरी तरह से भीगी हुई थी वो दरवाजे से लगकर फट गई। वो तुरंत दीवार से जा सकी ताकि कोई उन्हें देख न ले। सेट पर मौजूद लोगों को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। स्पॉट बॉय ने जाकर तुरंत नरगिस को तौलिया थमाया और फिर नरगिस बाहर आई। नरगिस की फ्रॉक के पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म की शूटिंग 5 सालों तक रुकी रही। ऐसे में पहने गए कपड़े काफी पुराने हो गए थे, लेकिन फिल्म की कंटिन्यूटी के लिए पहना जाना भी जरूरी था। नरगिस वो फ्रॉक पहनकर सुबह से बारिश में शूट किए जा रही थी। इसकी वजह से उन्हें जुकाम भी हो गया था, लेकिन उन्होंने शूटिंग पूरी की। डायरेक्टर ने उन्हें घर जाने के लिए भी बोला, लेकिन नरगिस ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि फ्रॉक ज्यादा टिक नहीं पाएगी।